यहाँ पे आ गया शिवाय का एक आधे सीढ़ी के ऊपर लेटे हैं। देखो शिवाय भी नहा रहा है, बहुत सी बारी खड़ी है हमारे यहाँ, नदियों से निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से। देखिए यहाँ पे बज रहे थे रात के एक, हम लोगों ने ब्लैंकेट से ऑर्डर किया था कुछ सामान, तो बस यही था कि मॉर्निंग के लिए ब्रेड वगैरह ख़त्म हो रखी थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो ब्लैंकेट से मंगा लेते हैं। और यहाँ पे आ गया था एक ब्लैंकेट का वेलकम ऑर्डर, तो उसमें शिवाय को मिल गए थे काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैंकेट की तरफ से फ्री। देखिए पीनट बटर वगैरह थे, चॉकलेट थे बच्चों के लिए, एक मंचेज़ को चिप्स वगैरह का पैकेट था, और मैंने मंगाया था यहाँ पे रस का पैकेट और ब्रेड वगैरह मंगाए थे, ब्रिटानिया केक मंगाए थे। तो ये है कि ब्लैंकेट से कभी भी आप 24 आवर्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए बनी की जैसे मैं बता रही थी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसको कफ इतना ज़्यादा हो गया कि हमें नेबुलाइज़र देना ही पड़ा, और बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा इसको ये लग रहा है कि क्या कर रहे हैं ऐसे बिठा के। तो बस इसके पापा के बस में ही आ रहा था, उन्होंने ही देना की इसकी सोची, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा ये नेबुलाइज़र, और बच्चे को कफ हो जाता है ना, तो इस वजह से ये सो भी नहीं पाता है, और बार बार इसको फिर फीवर आ रहा है कफ के चक्कर में, इस वजह से अब नेबुलाइज़र हमें देना ही पड़ा। और बस यहाँ पे इसको रात को नेबुलाइज़र दे के उसके बाद में आ गई थी किचन में बर्तन करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी मेड नहीं आने वाली है, वो है छुट्टी पे। तो जब मुझे ऐसा पता होता है ना कि नेक्स्ट डे मेड नहीं आएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दूँ, और बर्तन साफ़ रहते हैं ना तो किचन भी साफ़ रहती है। क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि जब मेड लगी हुई है तो मजबूरी हो जाती है, और जब उन्होंने नहीं आना तो मैं यही सोचती हूँ कि चलिए मैं खुद ही बर्तन वगैरह सब यहाँ पे क्लीन करके ही सो जाती हूँ। तो यही है कि बस शिवाय के भी हुआ था पहले कोल्ड और कफ बहुत ज़्यादा, उससे भी उसको फीवर आ गया था, बट यह है कि शिवाय ना अब थोड़ा मेडिसिन वगैरह ले लेता है आराम से, और बनी के बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसको मेडिसिन भी दे रहे थे मगर नहीं इसको आराम पड़ा। काफ़ी सारे कफ सिरप भी हमने चेंज करे, पैरासीटामॉल भी इसको टाइम टाइम से दी, मगर यह है कि जुकाम वगैरह तो हो गया ठीक, और अब बस बुखार और कफ रह रहा है इसको, तो इसी वजह से ना बच्चा परेशान रहता है, तो पूरी रात ये परेशान करता है फिर। और बस देखिए यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर चुकी हूँ, सारे बर्तन वर्तन क्लीन हो गए, गैस वगैरह मैंने यहाँ पे अपना साफ़ कर दिया है, तो अभी बस रात हो चुकी थी काफ़ी, 2:30 बज चुके थे मुझे। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अब बना रही हूँ यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और पापा जी जाएंगे आज डॉक्टर के पास, इनका डॉक्टर से विज़िट है। तो यहाँ पे देखिए चाय रख दी थी सबसे पहले मैंने बनने के लिए, बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों, तो बस यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग करी मैंने। और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से सर दर्द इतना रहता है कि बस पूछो मत। और चाय बनाई मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी चाय बनाई मैंने बनी के लिए, क्योंकि इसको दूध नहीं दे रही हूँ, दूध से बच्चों को क्या है कफ और ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इसको दूध नहीं दूँगी, और इसके लिए भी मैंने दूध में पत्ती लगा के अदरक डाली है। चैनल गुड मॉर्निंग, आज मेरी बनी को हो रहा है फीवर, है ना बनी? बनी का फीवर अभी थोड़ा आराम है, और इससे मतलब कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कफ हो गया उस वजह से अब हम इसको नेबुलाइजर दे रहे हैं। रात को भी नेबुलाइजर दिया था, बट ये उसके बाद वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, क्योंकि इसको कफ हो रहा है ना, तो कफ ये वॉमिट के थ्रू ही निकाल पा रहा है, और बहुत दिक्कत हो रही है, इसके चक्कर में मैं भी नहीं सो पाती हूँ पूरी रात, ऐसे ही है बस, तबीयत सारा दिन मुझ पर चेप रहता है, कोई काम नहीं कुछ नहीं, किचन में भी कुछ करने जाओ तो पहले खुद ही लो इसको। मैं जा रही थी अपने लिए चाय रखने, हस्बैंड और पापा जी गए हुए हैं हॉस्पिटल, तो बस सारा काम पड़ा है अभी, ठीक है ये देखो
यहाँ मैंने बस बेडशीट थोड़ी सी सही करी है, ये देखो सब कुछ पड़ा है। और इसको गोद में लिए लिए क्या काम कर, गोद में क्या क्या काम करें क्या नहीं, पहले तो रखती हूँ अपने लिए चाय। ये देखो बाहर का मौसम इतना चिपचिपा हो रहा है, ना तो धूप आ रही है ना बारिश आ रही है, बहुत गंदा मौसम है। तो बस करती हूँ धीरे धीरे करके दोनों तीनों कमरे क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर उसके बाद ये लोग चले गए हैं जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल। ये देखो ये देखो ये देखो, थोड़ी देर भी नहीं रुकता, थोड़ी देर भी शिवाय के पास भी नहीं रुक रहा, जहाँ की मैंने शिवाय की छुट्टी करवाई आज। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए चाय रखने किचन में, और ये देखिए जब घर में कोई नहीं होता है ना तो मेरे को थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं। अब इसको मैंने साथ में बिठाया है यहाँ पे किचन के स्लैब के ऊपर, और बस स्लैब पे बिठा तो लो इसको, ये रहता है खड़े होने के लिए कि मैं कुछ सामान पकड़ूँ कुछ सामान पकड़ूँ। तो फटाफट से कोशिश करूँगी अपने लिए जल्दी से चाय रख देती हूँ। और सुबह ही नहा ली थी मैं, नहा के आज मैंने बस नाइटी ही पहन ली, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सच में। तो बस देखिए आज का व्लॉग यही शेयर करूँगी, और दिन तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, फिर ये लोग आ गए थे हॉस्पिटल से, और यहाँ पे मैंने बनाए इन लोगों के लिए आलू प्याज के परांठे, साथ में दही थी चाय थी। तो बस इसी तरीके से लंच वगैरह बना के इन लोगों को दिया, और लंच वंच बना के फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं भी दवाई लेके, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे थोड़ी सी शाम हो गई थी जब 4:30 बज रहे थे, तो ये मैं दीदी के घर से लाई थी पर्पल हार्ट की कटिंग्स। तो पर्पल हार्ट जो प्लांट है काफ़ी अच्छा है और ईज़िली ग्रो हो जाता है, तो ये कटिंग्स हैं इनमें बिल्कुल भी रूट नहीं है, देखिए जड़ें नहीं हैं इनमें, और इनको मैं यहाँ पे कट करके लगा दूँगी दो अलग अलग प्लांटर्स में। तो हैंगिंग वाले में भी लगा रही हूँ, और एक ब्लैक कलर का पॉट है उसमें भी लगा दूँगी। तो ये वाला जो प्लांट है ना बहुत ही ईजीली मतलब ईजी टू मेंटेन है और जल्दी ही ग्रो कर जाता है, तो इस वजह से मैं इसको लेकर आ गई थी इसकी कटिंग्स। हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा था पर्पल कलर का, इस वजह से, और गार्डन में थोड़ा सा कलरफुल प्लांट भी अच्छा लगता है। तो बस इसको मैंने लगा दिया था दो बार कटिंग करके, और ये थे स्पाइडर के छोटे छोटे पप्स थे, उनको मैंने पानी में रखा हुआ था, इनमें भी रूट्स बन गई हैं। तो जैसे ही इनकी रूट्स बननी स्टार्ट हो गई थी ना, तो अब इनको भी मैं यहाँ पे मिट्टी में लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा इनको डीपली नहीं दबाना है, हल्के हाथ से इनको भी लगा दिया जैसे कि मैंने पहले लगाया था। और इस बार गर्मी में मेरे स्पाइडर प्लांट सारे ही ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे आ गया था मेरा एक ऑर्डर, जो मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से दो ब्लाउज़ ऑर्डर करे थे। तो ये ब्लाउज़ मैंने मंगाया है रेड और ब्लैक कलर में, बहुत ही सुंदर है। और जी हाँ, ये ब्लाउज़ मैंने मंगाया है सिद्धिमा ब्लॉग से, इनके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इनके ब्लॉग्स देखना, काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है और मैं काफ़ी इंस्पायर भी होती हूँ इनसे। तो आप लोग भी देखिएगा सिद्धिमा ब्लॉग्स, और इनके मतलब अपनी शॉप भी है कपड़ों की, तो ये शॉपिंग के लिए मतलब ऑनलाइन शॉपिंग भी आप इनसे कर सकते हैं। तो रही बात ब्लाउज़ मंगाया मैंने यहाँ पे, और शाम को तो मौसम जो ख़राब हुआ है ना आज सच में, दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि बस मैं क्या बताऊँ, हमारी गली तक में पानी भर गया था, सब जगह पानी पानी हो रहा है देखिए, और बहुत ही तेज़ बारिश आई थी, ये लगा लो कि सावन की बारिश आज हुई है सच में, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और इस बार बारिश हुई ना और इतना ज़्यादा घर में मेरा काम बढ़ गया, ये देखिए हम लोग तो नॉर्मल देख रहे थे कि जीने से हमारे पानी आ गया था ऊपर छत पे, क्या हुआ कूड़ा अटक गया होगा ना वहाँ पे, सारा पानी ओवरफ्लो हो गया था, सारा पानी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, बट जब मैंने देखा ना अपने रूम में आके तो देखिए क्या हाल हो रखा है, और मेरे रूम में बन गया था पूरा तालाब, यहाँ टॉयलेट से ना ये देखिए जो नाली है ये पूरे छत से ना नीचे पानी आता है, इसमें पूरा ओवरफ्लो हो चुका था पानी, यहाँ से भी आ रहा था बालकनी से भी आ रहा था। तो जब मैंने देखा अपने रूम में आके कि क्या हाल हो रहा है, देखिए आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा सारा का सारा ओवरफ्लो होके अंदर रूम में आ गया था, पूरा बेड के नीचे पूरा सेटी वगैरह के नीचे सारा पानी चला गया, और देखिए चप्पल वगैरह सब बह के जा रही है, देखो ये दोनों ढक्कन भी बह के जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी मतलब पूरी नदी सी बन गई थी मेरे रूम में, और इतना काम बढ़ गया ना सच में, पूरे ड्राइंग रूम में आ गया, ड्राइंग रूम से सीधा सीढ़ियों में जा रहा है, वो तो शुक्र है किचन में और पूजा वाले रूम में नहीं गया, बस यहाँ से फिर मैंने इसको पूरा वाइपर लगा लगा के जब तक पानी आता रहा ना तब तक मैं इसको बाहर मतलब वाइपर से ना वाइप करती रही, क्योंकि फर्नीचर के नीचे चला जाएगा ना बहुत मुश्किल हो जाती सफाई करनी,
और देखिए फिर यहाँ पे सारा पानी मैंने बाहर किया। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं जब जाके अपने रूम में देखा ना कि पानी कहाँ से आ रहा है, तब मैंने देखा कि भाई बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। इसके पापा गए हुए थे छत पे नाली खोलने के लिए। नाली में कुछ भी कूड़ा अड़ जाता है तो वही है कि वो ब्लॉक हो गई थी। ये मुझे नीचे आके बता रहे थे कि छत पे इतना ज़्यादा पानी भर गया। और मैंने जब इनको दिखाया कि रूम में देखो कितना पानी है, और शिवाय को देखो घर में ही यहाँ पे तैरने लग गया है। इसको तो इतना मज़ा आ गया था पानी देख के, बस पूछो मत। हस्बैंड ने लगाया सारे घर में वाइपर, उसके बाद में आ गई थी किचन में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश हो और पकौड़े ना बने। तो सभी के घर में कढ़ाइयाँ ज़रूर चली होंगी क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत ही तेज़। हमारे घर में गाइस मैं बताता हूँ, सावन चल रहे थे और हम कह रहे थे कि तेज़ बारिश हो रही है, और हमने देखा कि झीले से पानी आने लगा। फिर पापा और मैं छत पे गए देखने, इतने में मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई और हमारे घर पे पानी भर गया पूरा। और ये खाया क्या है, मुंह पे क्या लग रहा है, क्या खा रहे थे? अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सूखा है, देखो इसके पापा ने सारा वाइपर मारा है, ये देखो। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी पकोड़े। ये देखिए आलू वाले बनाए यहाँ पे, कुछ पनीर के पकोड़े बनाए, कुछ प्याज के पकोड़े बनाए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। और मैंने कढ़ाई वगैरह तो पहले ही चढ़ा दी थी, बेसन का मतलब बैटर बना के भी रख दिया था घोल बना के, मगर घर में इतना काम बढ़ गया था ना, कम से कम आराम से 1-1.5 घंटा लग गया था हमें सफाई करने में। और जो बेड के नीचे पानी गया ना उसका तो पूछिए मत, क्योंकि एकदम से बेड हटा के तो सफाई हो नहीं सकती। तो वो करेंगे हस्बैंड और मैं अगले दिन, नेक्स्ट डे करेंगे इसकी सफाई। उसके बाद देखिए बस यहाँ पे बना दिए बढ़िया बढ़िया से पकोड़े, सब ने इन्जॉय करे, सब ने खाए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी अभी भी, और सोचा कि जब कढ़ाई रखी हुई थी, ऑयल गर्म हो ही रखा है, तो आज डिनर में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, साथ में उसकी फिर पूरियाँ बना दी थी। तो आज बस इसी तरीके से रहा हमारा कुछ खाना पीना, क्योंकि बारिश इस टाइम भी बहुत तेज़ हो रही है। रात को बारिश कम से कम 1-1.5 बजे के करीब रुकी थी, 1-1.5 बजे तक बहुत तेज़ बारिश थी, सब जगह पानी भर चुका था। हमारी गली में भी पानी था, पूरे घर में तो हो ही रखा था, और सब जगह पानी। मतलब ये है कि न्यूज़ में भी बार बार यही दिखा रहे थे कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कितनी जगह कितनी ज़्यादा मतलब वो हुई है बर्बादी, कितने लोगों को करंट से मर गए हैं, क्या क्या हुआ पता नहीं। बस उसके बाद बस देखी सबके लिए बनाई गर्मा गर्म पूरियाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये यहाँ पे बैठ के मेरे से आटा लेके पूरियाँ बना रहा है। देखो छोटी छोटी पूरियाँ बना रहा है टेबल पे बैठ के, और बोल रहा है मैंने 2 पूरियाँ बनाई हैं, एक अपने पापा के लिए, एक दादू के लिए, और इनको फ्राई कर दो। ये फ्राई भी हो चुकी हैं देखो, तो ये देखे आएगा एक पापा को और एक दादू को। उसके बाद ना हम लोगों ने मेडिसिन लेने तो जाना ही था, और हस्बैंड बोल रहे कि चलो तुम लोग भी साथ चलो। तो ये देखिए हमारे घर के बाहर वाली जो रोड है ना, उस पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा, आप देख ही सकते हो हर जगह। मतलब दिल्ली में यही हाल है, तो क्या हाल हो रखा है दिल्ली का, खुद ही सोच सकते हैं हम लोग के। बस कहीं से भी पानी जाने की जगह इन लोगों ने बनाई नहीं है, या पता नहीं ओवरफ्लो हो जाता है हर बार, क्या होता है। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, और इस बार भी बस कोई कमी तो बची नहीं है शायद। तो हम लोग बस थोड़ा ऐसे ही घूम के आए, मौसम अच्छा हो रहा था, केमिस्ट वगैरह से दवाई लानी थी वो लेके आए। उसके बाद आ गए थे घर, तो देखिए बस मौसम ऐसा ही चल रहा था कुछ। और ये था मेरा प्यारा सा एक व्लॉग, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग करी है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।